संबित पात्रा, वो मैंने कहा भूत के मुंह में राम नाम, मैंने कहा संबित पात्रा, कह रहा है ये हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे भगवान हैं। अरे बाप रे बाप, तो वो जो करना पड़ रहा है रिप्रेशन बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी मरने के लिए आया हो, सर हथेली पर रखे हुए हो, ये गुरु गोविंद सिंह के चेले हैं, ये इनको इनको समझ लो, ये सर हथेली पर रख के आए हैं। तुम जो जो मरने से नहीं डरता उसको तुम जीत नहीं सकते, उसको तुम हरा नहीं सकते हो, वो तुम्हें यहाँ रिप्रेशन तुम्हारे को उल्टा पड़ेगा। रिप्रेशन करोगे मुंह की खाओगे, खतरनाक आग से खेल रहे हो, मत खेलो। कॉरपोरेट तुम्हें नहीं बचाने के लिए आएगा, वो खा जाएगा देश को। हम एक बात आपको कह के इसको करेंगे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज ये दो कंपनियां आ गई हैं, ये दो देश को खा रही हैं, देश को खा जाएंगी, ये देश को गुलाम बना रहे हैं, और ये गुलामी जनता को मंजूर नहीं है। 14 तारीख से जो इनके बीजेपी के एमपी एमएलए का घेराव शुरू करना है, जो हर जिले पर अधिकारियों के सामने प्रदर्शन होने हैं, आप देखना पूरा देश इसमें किस तरीके से शामिल होता है। जाग जाओ, हम तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चुनाव में तुम्हारा जो अहंकार, हम जीत रहे हैं, अगर जमानतें जब्त नहीं हो जाए तो मुझे बता देना। ये जो बार बार वार्ता फेल क्यों हो रही है, मैं कह रहा हूं वार्ता हो ही क्या रही है। इनकी सीधी सीधी दो हरफी डिमांड है, किसानों की शुरुआत से किसानों की मांग में कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ, कोई डाइवर्शन नहीं हुआ। उनका सिंपल कहना है कि ये तीन कृषि कानून वापस लेने हैं, ये है हमारी एक मांग। और दूसरा उनका है कि ये जो एमएसपी को लीगल इसकी मान्यता हो, लीगल सेंक्टिटी होनी चाहिए, इसका लीगल प्रोविजन होना चाहिए, लीगलाइज्ड होनी चाहिए, एमएसपी शुड बी लीगलाइज्ड। और ये जो बाकी तो है कि बिजली बिल और ये जो आपका पराली वाला, अब सवाल एक पैदा होता है कि पहले तो इन्होंने ये कोशिश करी कि इनको कोई महत्व ही नहीं दो, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग करने लगे, किसानों ने बाइकआउट किया कि व्हाट नॉनसेंस यू आर, हमारे कुछ इज्जत ये है। फिर इन्होंने तोमर साहब के कृषि मंत्री के अध्यक्षता में शुरू करी बैठक, पीयूष गोयल एंड अदर्स, उसमें तीन मंत्री बैठने लगे। किसानों का कंसिस्टेंट स्टैंड है कि हम तीन कृषि कानूनों को वापस लेने, बोला नहीं कुछ बताइए, कुछ इसमें कुछ अगर संशोधन कर सकते हैं हम रेडी हैं। पहले तो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं थे, फिर कह रहे हम संशोधन करने के रेडी हैं। किसान कह रहा है, किसान को बोले क्या क्या दिक्कत है, किसान ने जब दिक्कतें बताई तो उन दिक्कतों को ये जब मीडिया, मैं कहूँगा गोदी मीडिया रादर और सरकार, वो किसानों ने जो बताया कि इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, वो बताए थे 5-6 पॉइंट उन्होंने, उनको अब ये कह रहे किसानों की ये मांग थी, ये नॉनसेंस, इससे बड़ी झूठ कोई हो नहीं सकता। किसानों ने कभी संशोधन की मांग नहीं की, और ये सफल नहीं हो रही है वार्ता। सफल होगी कैसे, जब किसानों को 5 दिसंबर को जब उन्होंने अपने फिर वही ये दिखाने लगे स्लाइड्स और ये और वो, कैसे बढ़िया है, कैसे ये वो है, किसान बोले कि भैया क्यों हमारा का टाइम खोटी कर रहे हो। बोला कि नहीं आप बोला देखिए, वो उनको जो फाइल दी गई थी उसमें उन्होंने वो चुप करके बैठ गए, मौन व्रत पे बैठ गए और यस और नो कर दिया। बोला यस और नो, इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है। आज भी यही है, यस और नो। हम तो यस भी, किसान जो है यहाँ यस भी लेने के लिए तैयार है और नो भी लेने के लिए तैयार है। नो तो तुम कर ही रहे हो, हम जानते हैं कि जिस तरीके का अहंकार ये सरकार है, जिस तरीके की, लेकिन इस सरकार को अभी किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। ये मेरे से आज आप लिख लीजिए, किसान विल हैव टू कंसीडर द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू बस। ये देखिए एक बात सुनिए, किसान के लिए जमीन माँ होती है, वो उसको पालती पोसती है, और उस माँ पर कोई हमला आए कॉरपोरेट के हवाले करोगे,
तुमने सारा देश कॉरपोरेट के हवाले कर दिया, तुमने हवाई अड्डे हवाले कर दिए, तुमने बंदरगाह हवाले कर दी, तुमने तेल हवाले कर दिया, तुमने सारा कॉरपोरेट के हवाले, रेल हवाले कर दिया, तुम जो है वो माने सारे चीजों को कॉर्पोरेट के हवाले, मैं कितनी चीजें गिनाऊं, सारे एवरी पब्लिक सेक्टर में तुम, अब तुम्हारा जब ये इकोनॉमी क्रैश कर रही है और जब देख रहे हो इकोनॉमी को, अभी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, 30 लाख करोड़ का बिजनेस है, एग्रो बिजनेस, इसमें अडानी और अंबानी की गिद्ध दृष्टि है, उसने पहले से ही शुरू कर रखा है, जमीन बना रखी है, अरे आप ये सारे कॉर्पोरेट को बेचोगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो कृषि मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 बिंदुओं पे जो है वो वार्तालाप के लिए तैयार, संशोधित करने के लिए भी तैयार है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से किया जाएगा, आप वहाँ भी जा सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं इस तरीके से, तो क्या इससे बातचीत नहीं करनी है? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप संशोधन करने को तैयार हो, क्यों? पहले तो कह रहे थे प्रधानमंत्री वहाँ, इधर तो किसान सड़कों पे है, उधर वो बनारस में दीप दिवाली मना रहा है, प्रदूषण पैदा कर रहा है, प्रदूषण के खिलाफ बात करता है, कितने लाख दिए, एक दिए में कितना, 5 ग्राम भी अगर तेल हो तो क्या प्रदूषण पैदा हो रहा है, और ये बोल रहे हैं, और वहाँ जाके बोल रहा है कि भ्रमित हैं ये किसान, तो उनको समझ नहीं आ रहा है, ये तो गुमराह किए जा रहे हैं। भैया, एक तू ही समझदार आया है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील वो तमाम खड़े हैं कि ये कानून गैर कानूनी भी है, गैर संवैधानिक भी है, क्योंकि तुमने जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, भूमि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उस स्टेट सब्जेक्ट के बारे में लॉ बनाने के लिए आप राज्यों को कंसल्ट नहीं करोगे? एक भी, जब बार बार पूछा गया, एक भी किसान जत्थेबंदी नहीं है, एक भी किसान संगठन नहीं है जिससे बात की गई, इवन उनके अपने जो इनका जो किसान संघ है, इवन उससे तक बात नहीं की गई है। 3 स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं किसी भी आंदोलन को, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 3 स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं, एक है पहले उसको डिस्क्रेडिट करो, दूसरी स्टेज होती है डिवीजन पैदा करो, फूट पैदा करो, तीसरी स्टेज होती है उसके ऊपर रिप्रेशन चलाओ। तो देखिए, ये अच्छे तरीके से जनता ने समझ लिया है कि ये ना खालिस्तान है, ना पाकिस्तान है, ना चीन, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ अवेलेबल नहीं है। यो नैरेटिव बनाते रहो, नैरेटिव बन नहीं रहा है, सबको तो पीछे हटना पड़ रहा है ना, एक के बाद एक, अब तो ये बोलना पड़ रहा है, पहले जिस तरीके से हमलावर थे डिस्क्रेडिट करने के लिए, अब तो बोल रहे वो हमारे अन्नदाता है, अरे वो तुम्हारा क्या है, वो जो उनके प्रवक्ता संबित पात्रा, वो मैंने कहा भूत के मुंह में राम नाम, मैंने कहा संबित पात्रा कह रहा है ये हमारे अन्नदाता है, ये हमारे भगवान है, अरे बाप रे बाप, तो वो जो करना पड़ रहा है। और दूसरी जो बात, ये डिस्क्रेडिट करने की कोशिश इनकी फेल हो चुकी है, दूसरी जो बात डिवीजन पैदा करना, ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा ने तोड़े हैं बैरियर्स, आज जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं हमारे भाई पंजाब से आए हुए, उनको हम बड़ा भाई कह रहे हैं, और उनके लिए तमाम तरह के लॉजिस्टिक्स जुटा रहे हैं, तमाम तरह का समर्थन जुटा रहे हैं, घर खोल दिए हैं लोगों ने, ये इसको तुम डिवाइड कर सकते हो? और 8 तारीख के भारत बंद ने सिद्ध कर दिया ये पैन इंडिया मूवमेंट है, जिस तरीके का समर्थन आया, वरना ऐसा अहंकारी गृह मंत्री, क्योंकि सरकार तो 2 आदमी की है, रंगा बिल्ला कहो जो भी, खैर हम तो नहीं कहेंगे ये बात रंगा बिल्ला वाली, क्योंकि एक मोदी है एक शाह है, तो ये शाह को क्या उनको फीडबैक नहीं है सारी इंटेलिजेंस की, कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर ये फैलता जा रहा है, और उसको फिर शाम को ही मीटिंग बुलानी पड़ी, शाम को इनफॉर्मल डिस्कशन जिसे वो कह रहे हैं। तो अब मैं एक बात और बता दूं, जो तीसरी बात, कि डिवीजन इज नॉट अवेलेबल हेयर, क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक बात बता दूं सभी को, जो कंफ्यूजन दूर हो जाए, यहाँ किस्सा, जहाँ पंजाब की जत्थेबंदियां वो अगुवाई कर रही हैं, और तमाम हिंदुस्तान की किसान जत्थेबंदियों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि किसान हमारे अगुवा हैं, वो जो वो फैसला कर देंगे वो हम उसको लागू करेंगे, सारे देश में लागू करेंगे, तो ये डिवीजन भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात मैं बता दूं,
रिप्रेशन बहुत भारी पड़ेगा, रिप्रेशन बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी मरने के लिए आया हो, सर हथेली पर रखे हुए हो, ये गुरु गोविंद सिंह के चेले हैं, ये इनको इनको समझ लो, ये सर हथेली पर रख के आए हैं। तुम जो जो मरने से नहीं डरता उसको तुम जीत नहीं सकते, उसको तुम हरा नहीं सकते हो, वो तुम्हें यहाँ रिप्रेशन तुम्हारे को उल्टा पड़ेगा। रिप्रेशन करोगे, मुंह की खाओगे, खतरनाक आग से खेल रहे हो, मत खेलो, जितनी जल्दी हो जाए। हे मेरे प्रभुओ, हे दो प्रभु देश के, जो अरे तुम राजा बन बैठे हो, क्या नैरेटिव बोल रहे हैं, अरे कुछ शर्म तो आनी चाहिए। नड्डा बोल रहा है क्योंकि राजस्थान में किस हमें वो ज्यादा सीटें मिली हैं और वहाँ किसान देता है वोट, इसलिए किसानों ने वोट दे दी है और हमारे इन बिलों पर मोहर लगा दी है। अरे शर्म कर, हम जानते हैं वोट तुम कैसे लेते हो। सर एक सवाल है कि पीएम मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया की भली भांति स्वच्छ है, जब इतना ही बिल स्वच्छ है तो फिर इसमें फिर चेंजेस को कर। अरे भाई बड़ा अच्छा सवाल कर दिया तुमने यार, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। 5 जून को तुम अध्यादेश लाए थे, वो तुम्हारा छल था या गंगा जल था, प्लीज टेल इट। दूसरा, जब तुमने लोकसभा में पास करा लिया धक्के से, ठीक है तुम्हारा वहां बहुमत है, उस समय 20 सितंबर को, 20 सितंबर या 19 जो भी हो, 20 सितंबर को जब तुमने राज्यसभा में ये बिल लाए, उस समय तुम्हारी बहुमत नहीं था, उस समय तुम अल्पमत में थे। लोग विपक्षी लोग चिल्लाते रहे कि इसको आप जो है मतलब डिवीजन करवाइए, आपने धक्के से वाइस बोर्ड पर चेयरमैन का मतलब ये लेके और तुमने उसको पास कर। मैं पूछता हूँ ये छल था या गंगा जल था, ये बताइए इतनी जल्दी क्यों, और उसी रात तुम प्रेसिडेंट से साइन करवा लेते हो और ये सोचते हो मार पीछे तो पुकार होती रहेगी, अब तो बिल बन गए, अब तो बिल बन गए। अरे भैया बिल बन गए तो बिल वापस भी होते हैं। मैं उसी दिन एक आप तो होंगे शायद उस वहाँ जंतर मंत्र पर मेरी मीटिंग थी, बोले कि नहीं वो राज्यसभा में हमारा बहुमत, मैंने कहा वो अभी राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए हैं, उसको आप बुला लो, अब दोबारा उसके ऊपर वोटिंग करवा लो। लेकिन ये छल झूठ, ये इस सरकार के नैरेटिव्स हैं, ये एकदम जुमलेबाज सरकार है, ये झूठी सरकार है। तुमने देश के साथ छल किया, नोटबंदी करके बोले मुझे 50 दिन दे दीजिए भाइयों, जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे मुझे खड़ा करके जो सजा दोगे ले लूंगा। अरे देश का इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया तुमने, तूने कहा कि नई आजादी आ रही है, रात को आधी रात को तूने जो है ये GST ले आया, सारे इसको खत्म कर दिया, रोजगार को, सारे रोजगार को कहाँ पहुंचा दिया GST। और तुमने जिस तरीके से मतलब जुमलेबाजी करके सरकार में आए थे, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही महंगाई की मार, अरे पेट्रोल की हालत क्या हो रही है, 66% तुम जो है वो इसके ऊपर टैक्स लगाते हो, ये क्या कर रहे हो, देश की इकोनॉमी को कहां ले जा रहे हो। कॉरपोरेट तुम्हें नहीं बचाने के लिए आएगा, वो खा जाएगा देश को। हम एक बात आपको कह के इसको करेंगे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज ये 2 कंपनियां आ गई हैं, ये 2 देश को खा रही हैं, देश को खा जाएंगी, ये देश को गुलाम बना रहे हैं, और ये गुलामी जनता को मंजूर नहीं है। और ये जो ऐलान किया है ना, आप जो है 14 तारीख से जो इनके BJP के MLA का घेराव शुरू करना है, जो हर हर जिले पर अधिकारियों के सामने प्रदर्शन होने हैं, आप देखना पूरा देश इसमें किस तरीके से शामिल होता है। जाग जाओ, हम तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चुनाव में तुम्हारा जो अहंकार, हम जीत रहे हैं, अगर जमानतें जब्त नहीं हो जाए तो मुझे बता देना आप।